नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फंक्शन कि एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि सॉल्यूशंस में हमें याद रखना भी है कि इसको शुरुआत करेंगे आई के साथ। तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे इसको लेफ्ट I is equal to integration of x square 1 minus 1 by x square dx, same as it a questions I के रूप में लिख देंगे। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले x square को अंदर भेज देंगे, इंटू कर देंगे, इजी हो जाएगा। आएगा यहाँ पर x square 1 के साथ इंटू होगा तो x square बन जाएगा माइनस x square का 1 by x square के साथ इंटू करेंगे तो आएगा x square इंटू 1 by x square। ब्रैकेट ऐसा है, इसको भी चलो ऐसा बना लेते हैं। अब इसको आगे करें, x square ये x square ही रहेगा, ये x square के साथ कट हो जाएगा, माइनस में यहां पर केवल बचेगा 1 और dx। इसको भी इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये वाला x स्क्वायर अलग इसका इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो इधर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इसके इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी, x की पावर n वाली, तो आएगा x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन आएगा x। इस तरह से इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर इधर देखिए 2+1 3 बन जाएगा, 2+1 3 बन जाएगा, आएगा इधर x क्यूब बाय 3 माइनस x और साथ में लगाएंगे प्लस का c, c इधर भी लगा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन यहां से पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोई से इंटीग्रेशन के साइन यहां पर दिख नहीं रहे हैं, प्लस का c लगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो x क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस c, यह इस 7 का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।